और अब वक्त हो चला है हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालने का। हिमाचल कांग्रेस ने राज्य में सैलानियों का प्रवेश देने के मामले में जयराम सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल की सरकार गलत नीतियों की वजह से कोरोना मामले बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कोरोना डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने काजा में मंत्री का रास्ता रोकने पर 200 महिलाओं पर दर्ज हुई एफआईआर को तुरंत रद्द किए जाने की मांग की। चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग को लेकर हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा ने मौन प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के सामने मौन प्रदर्शन किया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के एकमात्र वॉर म्यूजियम को आंधी की वजह से नुकसान पहुंचा। आंधी की वजह से सूखे पेड़ टूट कर गिरे, जिसके जद में पुराना एक फाइटर जेट आ गया। चंबा में जेएल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। मीडिया की भनक लगते ही आनन फानन में विभाग ने गर्भवती महिलाओं को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही को स्वीकार किया। प्रबंधन का कहना है कि बिस्तरों की कमी है। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने एनआईटी भर्ती घोटाले की लिखित शिकायत प्रधानमंत्री मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की। राजेंद्र राणा ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस मामले की पैरवी करने का खुले मन से स्वागत करते हैं। ऊना में बैंक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महतपुर में एसबीआई बैंक की ब्रांच को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बैंक के अन्य 16 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन के निर्देश दिए गए। माउंटा साहिब श्री रेणुका जी और शिलाई क्षेत्र में बिजली कट लगने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोंदपुर बिजली बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। माउंटा साहिब में बिजली कट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग को जमकर कोसा। एक्सीएन के बिजली के सुचारू रूप से आपूर्ति के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ।